नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल के इस लाइव स्ट्रीम में। मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र और एक लोकसभा मंडी लोकसभा के जो उपचुनाव है वो उनके जो नतीजे हैं वो इस वक्त हम आपके बीच में लाइव साझा करेंगे। क्योंकि इस वक्त हम अगर हम भरमौर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से मंडी लोकसभा के जो चुनाव होने हैं, चुनाव के जो नतीजे होने हैं वो इस वक्त यहाँ पर चंबा पॉलिटेक कॉलेज में जो है इनके नतीजे आने है, तो हम वो आपके बीच में साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि हम आपके साथ इन नतीजों को साझा कर सकें। क्या रुझान है लोगों का, हम सभी ये जो नतीजे हैं इन सभी के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो है आप हमारे इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी जो है वो साझा हम आप लोगों के बीच में कर सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र और मंडी लोकसभा के जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो इस वक्त इनका परिणाम जो है वो शुरू हो चुका है। काउंटिंग 6 बजे की शुरू हो चुकी है, वो हम आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे बीच में बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि सभी को पता है कि नतीजे जो है वो आने वाले हैं और सुबह 6 बजे जो है वो इसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हम धीरे धीरे लोगों से जानेंगे कि उनको जो है इन परिणामों के प्रति क्या उनका उत्साह है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बारिश की वजह से काफ़ी जो लोग हैं वो कम दिख रहे हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वो तो सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। हम वो आप लोगों के बीच में साझा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा जो लोग हैं वो कम दिख रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त जो अमित भरमौरी जी हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और काफ़ी उत्साह उनमें जो है वो दिख रहा है। लोग काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं, सोशल डिस्टेंस और कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो भी किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत की जरूरत उस चुनाव में होती है, लेकिन मैं जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस तरीके से जनता ने हमारा साथ दिया ये बहुत बड़ी बात है और अपना विश्वास हमें जताया, इस विश्वास पे भविष्य में हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लोकसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं आप जीत के कगार पे पहुंच गए हैं, जो विधानसभा उपचुनावों में चल रहा है वहाँ का क्या? देखिये, विधानसभा में भी कांग्रेस को पक्ष में लोगों ने मैंडेट दिया है। अर्की हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, जुब्बल कोटखाई हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं और भवानी पठानिया जी भी फाइट में है फतेहपुर की सीट पे, तो निश्चित तौर पे चारों सीटों पे जो है कांग्रेस को मैंडेट मिला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपका बहुत बहुत आभार। पूरे तरीके परिणाम आएंगे, आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत आभार। ये थे नमस्कार सर, स्वागत है आपका चंबा हलचल में। और अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ भरमौर के जो अमित भरमौरी जी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, क्या उत्साह है नतीजों को लेकर? आप उत्साह देख ही रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, पार्टी में बहुत उत्साह है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत उत्साह है, और ये उत्साह निश्चित तौर पर यहाँ से नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक रहेगा, ऐसा ही उत्साह जी। सर देखिए, ऐसे तो जैसे हम सभी जानते हैं कि राजा जी के जाने के बाद जो है लोगों की काफ़ी जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि जो है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को दी है, जिन्हें हम हिमाचल प्रदेश, आधुनिक हिमाचल प्रदेश का निर्माता जिन्हें हम कहते हैं, और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विकास के अंदर रहा है। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी और आवाम ने भी, आम जनमानस ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के उनको दी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत। तो आपने देखा, ये थे अमित भरमौरी जी। तो आपने देखा, अमित भरमौरी जी ने उनको जो है वो काफ़ी उत्साह है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जीत जो है, कांग्रेस की जीत जो है वो निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में जो जीत को लेकर उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हम और समर्थकों से भी जानेंगे क्या उनकी प्रतिक्रिया है इन नतीजों को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार।
चंबा हलचल में स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको इन नतीजों को लेकर, क्या उत्साह है? मैडम, इससे लगता है जैसे जो हमारे संसदीय क्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मंडी से जो रानी प्रतिभा सिंह जी को जी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, उनको जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे ये तय हो रहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार का आना तय है। क्योंकि अगर बीजेपी सरकार ने कोई कार्य किए होते तो शायद इस तरह से उनकी हार ना होती। क्या लगता है आपको, क्यों बीजेपी इतना पीछे रह रही है? मैडम, बीजेपी की जो दमनकारी नीति चल रही है उस वजह से वो पीछे रह रही है। गरीबों के लिए वो बिल्कुल सोच नहीं रही है। सिलेंडर के रेट देख लो आज की डेट में, चाहे तेल के भाव देख लो, लोगों को हर तरह से हराश किया जा रहा है। तो जो रानी प्रतिभा सिंह जी हैं जी, जो भरमौर हमारी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से जिस हिसाब से उनको लीड मिली हुई है और 50% से अधिक जो लीड है रानी साहब को वो हमारे ही क्षेत्र से मिली हुई है, इससे इसका मैं तय दिल से भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से उन्हें वोट दिया और उन्हें जीत के योग्य बनाया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि कांग्रेस की जो जीत है वो इनको मतलब निश्चित है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है महंगाई को लेकर जो है वो पीछे नहीं हट रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें चंबा यहाँ की, तो चंबा में आपने देखा कि मौसम जो है, मौसम की वजह से काफ़ी लोग जो है वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको कांग्रेस के प्रति काफ़ी जो उत्साह है उनमें दिख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा सीट के जो उपचुनाव है उनके जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। तो ऐसे में यहां हमारे साथ कांग्रेस के बहुत से समर्थक हैं जो कि कांग्रेस की इस जीत के उपलक्ष्य पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देना चाहते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है कांग्रेस के समर्थक उमेश जी, हम इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। थैंक यू, चंबा हलचल की बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आपने मेरे को बोलने का कुछ मौका दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे, जो ये आपको इतनी बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को, तो क्या कहना चाहेंगे? ये एक तो कांग्रेस परिवार को सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा मुबारक में हमारी प्रतिभा सिंह जी हैं जो सांसद हमारे बने हैं, उनको बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। और ये जो है ये कांग्रेस वर्कर्स की जो मेहनत है वो रंग लाई है साथ में, इसमें जो हिमाचल सरकार की तो मैं कमी नहीं समझूंगा, क्योंकि ये मोदी जी की जो महंगाई और ये पेट्रोल वगैरह के जो दाम हैं दालों के और सब्जियों के, इस पे जो नियंत्रण मोदी जी का नहीं रहा, तो ज़्यादातर इस वजह से ये लोगों ने जो मैंडेट दिया है कि भाई अभी भी वक्त है वो सुधर जाएँ, जो महंगाई वगैरह को कंट्रोल करें, अदरवाइज आगे वाले इलेक्शन में ऐसा ही कुछ होने वाला है और ना कि हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान में ये जो चीज़ है दोहराई जाएगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग दुखी हैं महंगाई से, तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए। तो सर जैसे अब विधानसभा के जो चुनाव होंगे उस पे क्या लगता है आपको, क्या असर पड़ सकता है? ये इस जीत का तो नेचुरली असर पड़ेगा, ये माइलस्टोन समझा जा सकता है हिमाचल की राजनीति के लिए, क्योंकि हिमाचल की जो लोग हैं वो ट्रेंड पे चलते हैं, हर बार जो हिमाचल में एक ही सरकार रिपीट कभी भी होती नहीं आई है, तो ये चेंज होता रहता है। और अभी ये एक घंटी है जीत की कांग्रेस के लिए हिमाचल में खासकर, तो इसको इस चीज़ पे हमें कांग्रेस वालों को ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हमें मेहनत नहीं करनी है, इसमें मेहनत पे और काम करना होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ जो है वो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, अगर मेहनत हमारी कोई कमी रही तो ये इलेक्शन है, ये चुनाव हैं, इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये जो ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि जो राजा साहब का जो काम था वो कभी भी उन्होंने कभी विपक्ष की राजनीति नहीं की, ना उन्होंने विपक्षियों को दरकिनार किया, उनके काम उन्होंने किए, तो ये हिमाचल के लोगों का प्रेम है जो आदरणीय प्रतिभा सिंह के लिए जो ये जीत के रूप में मिला है, जो राजा साहब का ये काम था, उन्होंने हिमाचल के सब लोगों को एक नज़र से देखा, किसी से पार्टी विशेष की बात नहीं की, तो ये राजा साहब की मतलब आत्मा आज सुन रही होगी तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि हम लोगों का जो फर्ज था हमने निभाया उनके लिए और आगे भी निभाते रहेंगे जी। वो हमारे साथ ठाकुर सिंह भरमौरी जी जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार, क्या कहेंगे इस जीत के उपलक्ष्य पर? पहले आपका स्वागत है। जीत जो है वो बहुत बड़ी जीत हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है सारे प्रदेश में,
ये सब राजा वीरभद्र सिंह की मेहनत और जो उन्होंने 52 साल हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान की सेवा की, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने रानी प्रतिभा सिंह जी को, उनके जो धर्मपत्नी हैं, उनको वोटें डाली हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो लोगों ने दी है रानी प्रतिभा सिंह जी के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे साथ और भी कांग्रेस के बहुत से दिग्गज जो नेता है वो यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जिला शंबा के जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, नीरज नैयर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप इस खुशी। मैं यही बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और प्रदेश के लिए भी जो आज का दिन है ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन जो है ये आज रहा है। और आने वाले जो 2022 के जो चुनाव हैं, आज इन 4 चुनाव नतीजों से ये रास्ता जो है 2022 का ये बिल्कुल हमें साफ दिख रहा है। और 2022 के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो 68 की 68 जो है विधानसभा सीटें जो हैं वो जीतेगी। और इन बाई इलेक्शनों से लोगों का एक मूड जो है, जनता का जो एक मूड है वो सामने आ गया है। और भाजपा से जो है जनता बहुत नाराज़ है, उन्होंने बड़े गलत फैसले लिए। जहां आप महंगाई देखो, आप बेरोज़गारी देखो, आप पेट्रोल डीज़ल गैस कई ऐसी चीज़ें हैं और उस पर कोई अंकुश जो है वो नहीं लगाया जा रहा है। एक तरफ से बोलते हैं, ये बड़े ज़ोर से बोलते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार जो है ये डबल डैमेज कर रही है स्टेट को, एक तरफ से तो महंगाई और दूसरी तरफ से बेरोज़गारी, तो ये डबल मार है बेसिकली। एक तरफ से तो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और एक तरफ से जो महंगाई है वो बहुत चरम सीमा पे। अब ये जो नतीजे हैं ये दर्शाते हैं इन चीज़ों को। सर, आने वाले विधानसभा चुनावों में इस जीत का क्या असर पड़ सकता है? मेरा तो ऐसा मानना है जीत तो बिल्कुल, अब ये तो रास्ता तो बिल्कुल आश्वस्त है, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। आज जो ये रुझान आए हैं, आप हर क्षेत्र के अंदर जाके देखो जो रुझान आए हैं। अभी ये रूलिंग में बैठे हैं, सत्ता में हैं, अभी एक साल है, फिर भी लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपना जो उन्होंने मत है पेटी में डाला है और आपके सामने है जो रिज़ल्ट है सत्ता में होते हुए उनका, चारों की चारों सीटें, चारों खाने मैं बोलूँगा जीत हुई है सरकार जो है। और ख़ास तौर पर मैं बोलना चाहूँगा कि राजा वीरभद्र, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का जो नाम है वही बहुत इस चुनाव के अंदर था। ये इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है, जो उपचुनाव थे मंडी के अंदर जो हुए हैं उसके अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम लेके, तो आप ये सोचो कि वो युग पुरुष थे, उनके हालांकि वो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो उन्होंने काम किए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जनता उसको कभी नहीं भूल सकती है। और ये तो एक कंपैरिजन हुआ है सामने कि 4 साल अब पूरे होने को आ रहे हैं सरकार को, जो जयराम सरकार है 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट जो है जनता ने दिया है। मंडी के अंदर 17 विधानसभा क्षेत्र है, तो आप उसमें देखो मैक्सिमम पे कांग्रेस पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कांग्रेस पार्टी उसके अंदर लीड कर रही है। तो ये तो एक सैंपल है। आने वाला जो चुनाव है 2022 के अंदर आप देखोगे कि भाजपा का जो है सूफड़ा जो है यहाँ से साफ होने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हमारे बीच में अमित जी भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे इस खुशी के ऊपर, इस जीत के ऊपर। दिवाली के समय में आपको जो तोहफा मिला है क्या कहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के सभी बुद्धिजीवी मतदाताओं का जिन्होंने भी इन 4 सीटों पे कांग्रेस पार्टी को जिताया है। ये बहुत बड़ी बात है और हिस्टोरिकल जीत मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की, किसी सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ हुई है। आपको पता है कि हम लोग अभी विपक्ष में हैं, फिर भी विपक्ष में होते हुए भी 4 सीटें जो हैं हमने जीती है। कांग्रेस पार्टी ने चौका लगाया है और 4-0 से जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई है और भविष्य में 2022 के लिए जो है एक नींव पत्थर रख दिया है कि आने वाले 2022 के जो विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर होंगे इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का राज स्थापित होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के जो यहाँ पे दिग्गज मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं सारे हिमाचल वासियों को आज इस खुशी के पर्व पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये जो चुनाव हुआ ये कोई आम चुनाव नहीं था, ये चुनाव आधे हिमाचल का चुनाव हुआ जिसके अंदर
लाहौल स्पीति से लेकर के चंबा मंडी और कांगड़ा, ये सारी सीटों के ऊपर जो है ये कांग्रेस पार्टी विजयी रही। ये राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो कार्य किए थे वो सारा कैश किया, और ये मोदी साहब के जो झूठे जुमलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई थी, उस वजह से ही जो है लोगों ने ये बता दिया कि एक बार तो आपने हमें ठगा था और हम आपको बार बार ठगेंगे, क्योंकि जो काम करेगा वही मिलेगा। बाकी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपने नीरज नैयर जी हैं, ठाकुर सिंह जी भरमौरी जी, अमित भरमौरी जी, दूसरे हमारे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे, सब ने मिल कर के जो है इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और बड़े और ये तो बड़ी भारी जीत है इसमें कि सुपड़ा साफ हुआ। ये पहली बार हुआ कि रूलिंग पार्टी के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। हार भी होती है लेकिन ऐसी शर्मनाक हार कहीं भी नहीं देखी कि चार के चार जो थी पिल्ले इनके आउट हो गए। और जैसे रोडू के अंदर देख लीजिए आप, उसमें तो मेरा ख्याल है इनके कैंडिडेट की जमानत तक नहीं बची। तो जयराम जी तो उस वक्त कहते थे कि दिवाली तो 4 तारीख को है, हम 2 तारीख को मनाएंगे। तो मैं उसी वक्त कह दिया था कि ठीक है जयराम जी, ये दिवाली मनाएंगे या दिवाला मनाएंगे अपना, तो कांग्रेस तो दिवाली मना रही है, दिवाला इनका बन गया। ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो और 2022 में शुरू होने वाली है, फिर देखना क्या बनता है, कितने 20 से 100 होता है। ये मैं सबको ज़्यादा ना कहता हुआ सबको मुबारक देता हूँ, धन्यवाद मीडिया का, और चंबा हलचल का तो मैं कायल हूँ कि सुबह ही ना शाम को ही जब के आपका प्रोग्राम आता है तो सारा मेरा परिवार बैठ जाता है, क्योंकि सारे चंबा की इसकी डिस्ट्रिक्ट की जो कवरेज आप देते हैं मैडम, मैंने आपको देखा बड़े बड़े दूर दराज के इलाकों के अंदर भी आप वहाँ पहुँच करके। मैं एक बार फिर चंबा हलचल का भी एक बधाई देता हूँ आज इस शुभ अवसर के ऊपर, और सारे चंबा वासियों को, सारे हिमाचल प्रदेश वासियों को जय हिंद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा इन्होंने कहा कि ये सारा नतीजा जो है बीजेपी की दमनकारी नीतियों का है, क्योंकि अब जो है बीजेपी का जो सुपड़ा है वो साफ हो गया है। तो ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, के और भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या उत्साह है इस खुशी की लहर को लेकर। देखिए जी, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की सतारा विधानसभा क्षेत्र की पूर्ण जो जनता है उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत जो राजमाता प्रतिभा सिंह जी के ऊपर दिया है और उन्हें जो सांसद के रूप में बनाकर दिल्ली भेजा है, धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश की पूर्ण जनता का, जहाँ पर आज उपचुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताकर 4-0 से जो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। आज आप जैसे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में लीन है और फिर भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वो जो है वो अपना एक नेतृत्व नहीं दिखा पाई है। सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनता को नकारा है, जो प्रदेश की जनता को नकारा है, और महंगाई और पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसको मद्देनज़र ना रखते हुए आज प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीब जनता की और प्रदेश की आवाज़ जो है वो सुनती है। तो मैं एक बार फिर से आपके मंच के माध्यम से धन्यवाद करूंगा प्रदेश की पूर्ण जनता का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताकर एक बार फिर से 4-0 के साथ जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया है। जी सर, क्या कहेंगे आप इस जीत की? इस जीत के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ मंडी पार्लियामेंट्री के सभी सतारा के सतारा विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी के हित में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया। सर्वप्रथम उनको बधाई है, और आज उन लोगों ने जो राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के लिए जो विकास कार्य किए थे उन विकास कार्य को याद करते हुए उन लोगों ने आज रानी राजमाता प्रतिभा सिंह जी को मंडी पार्लियामेंट्री से सांसद चुनकर दिल्ली भेजा है, और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे सांसद हैं वो इस महंगाई के लिए दिन रात और लोगों के हितों की रक्षा के लिए दिन रात कार्य करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों में जिसमें लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के चुनावों के जितने भी प्रत्याशी रहे हैं उन लोगों के हित में वोट अपना कीमती बहुमूल्य भारी मात्रा में मतदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारी मात्रा में वोट डालकर विधानसभा और लोकसभा की सीटों को जिताकर कांग्रेस का परचम लहराया है। और मैं आशा करता हूं ये सभी जितने भी जो प्रत्याशी है वो
दिल जान लगाकर जनता की सेवा करें। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे गुलाटी आया, कैसे है? ना कुछ नहीं, गाड़ी तो नहीं है ना, तू कैसे है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भगत सिंह बरवारी जिंदाबाद, दिनेश नैयर जिंदाबाद, अमित बरवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित भाई का जय हिंद जय हिंद जय हिंद, भगत सिंह बरवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद Thank you.
इस वक्त हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव मौजूद है कपिल भूषण जी। हम इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस खुशी की। मैडम, जो आज चार की चार सीटें जो कांग्रेस पार्टी की झोली में जनता ने डाली हैं, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है और चारों की चारों जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी की झोली में दी हैं। जैसे कि सर हम सभी जानते हैं कि महंगाई अब जो है वो चरम सीमा पे है, तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई के? देखिए, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की जो दाम है वो 110 रुपये के पार लगभग हो चुके हैं, डीजल भी 97 रुपये लीटर है। आज प्याज और सब्जियों के दाम देख रही है आसमान छू रहे हैं और महंगाई को दरकिनार मतलब करने की बात कर रहे थे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में काबिज होने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि हम महंगाई आकर दूर करेंगे, लेकिन हुआ क्या, उसके विपरीत। और आज जनता ने उनको एक सबक सिखाया है कि अगर वो जनता के हित में कार्य नहीं करेंगे, महंगाई को कम नहीं करेंगे, आने वाले 2022 के चुनावों में इनका सूपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस पार्टी की जो है प्रदेश में सरकार बनेगी। देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कितना उत्साह है जीत को लेकर। यहाँ चंबा के मेन चौक पे जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं और सभी जो है यहाँ झंडे लेकर खड़े हैं और बहुत ही खुशी जो है इनमें देखने को मिल रही है। धन्यवाद। अब हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे इस खुशी को। पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो जनता ने आज फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। देखिए, एक साइड ये डबल इंजन की जो सरकार है ये इसने हिमाचल की जनता को बिल्कुल गुमराह किया था। पहले वोट बैंक इन्होंने जो लिया, पब्लिक से वोट लिया था, झूठ मूठ के जो वादे इन्होंने किए थे उसमें ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी थी और हिमाचल प्रदेश की जनता ने आज बिल्कुल अच्छा फैसला किया। 3.5 लाख मतों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे भाई आश्रय शर्मा जी वो पिछले चुनाव में हार गए थे, इस बार रानी प्रतिभा सिंह जी को मौका मिला, वो 3.5 लाख उन्होंने वोट को बीट करके भारी मतों से लीड भी ली। तो हिमाचल की जनता अब जान चुकी है 1100 रुपये का जो सिलेंडर इस सरकार ने कर दिया, पेट्रोल डीजल के जो दाम इन्होंने बढ़ाए उसका ये हिमाचल प्रदेश की जनता ने आज उसको ये परिणाम दिया। मोर मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यही कहूँगा कि 2022 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरे 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की वो जीतेगी। धन्यवाद। हमारे साथ लियाकत खान जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। देखिए सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे प्रत्याशी जीते हैं लोकसभा मंडी से रानी प्रतिभा सिंह जी और 3 विधानसभा क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के जिनकी जो कि विजय प्राप्त हुई है, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंडेट है, ये जो जनमत है लोगों का, ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि आज भी अगर आप व्यावसायिक सिलेंडर की बात करें तो 266 रुपया जो सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। तो निस्संदेह ये जो एक जनमत और एक मैंडेट मिला है वो महंगाई के खिलाफ है। भले ही आप संगठन तौर पर कितनी भी आप गहराई से काम कर लें, चाहे वो पन्ना प्रमुख का काम कर लें या आप संगठन में त्रिदेव की बात कर लें,
तो निसंदेह जब जनता जो अपना मैंडेट देने पे आ जाती है तो ये संगठन वगैरह सब पीछे रहते हैं। तो हम ये भाजपा सरकार को अभी से आगाह करना चाहेंगे कि जो ये महंगाई है इस पर काबू पाइए आप, ये जो बेरोजगारी है, ये जो आप मैंडेट देख रही है, जो जनता का रोष देख रहे हैं आप, निसंदेह एक साल के भीतर जो हमारे जो इलेक्शन होंगे विधानसभा के उसमें भी कांग्रेस पार्टी जो परचम लहराएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव और चंबा जिला के वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच में मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस मतलब? पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को और जहां पर बाई इलेक्शन हुए उस जनता को जो बधाई देता हूं कि जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय जो है आम जनता के लिए किया है। जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय से लेकर के आज तक बेरोजगारों का उत्पीड़न हुआ, मध्यम वर्ग के लोगों का उत्पीड़न हुआ, दुकानदारों का उत्पीड़न हुआ और जनता भय में थी। और जैसे ये बाई इलेक्शन हिमाचल में हुए है, हिमाचल की जनता ने ये संदेश दे दिया है केंद्र सरकार को और हिमाचल की सरकार को कि आप लोगों की अभी ज़्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता के हित में आप फैसले नहीं ले रहे हो। महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है, हर तरफ जो है हाहाकार मचा है, कमाई के साधन खत्म हो चुके हैं और राजा वीरभद्र सिंह की जो निधन हुआ था उसके लिए लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और एक ऐतिहासिक जीत जहां एक पार्लियामेंट और तीन विधानसभा की सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ घर घर जाकर के लोगों से वोट मांगे। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता को, आने वाला समय कांग्रेस का समय है और 2022 में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी और जनता का जो उत्पीड़न हुआ उसका एक एक पाई का हिसाब जो है जनता जो है भाजपा से लेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हिमाचल की जनता को बधाई देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस जीत के उपलक्ष्य पर। ये जीत हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो हालात देश और प्रदेश के बने हुए हैं उसमें जनता को राहत की बजाय ये सरकारें आफत ही दे चुकी हैं। महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी का तो आंकड़े ऐसे हैं कि लोग आने वाले दिनों में अगर सतर्क नहीं होते तो दो वक्त का खाना मिलना भी दुर्भर हो जाता है। इसीलिए जनता जो थी वो अंदर खाते से मन बना चुकी थी कि परिवर्तन लाना है और ये झटका प्रदेश सरकार को इसलिए भी है कि यहाँ की कार्यप्रणाली और जो विधायक है जनता के बीच के जो जनहित के कार्य हैं करने की बजाय रोकने के ऊपर तत्पर रहते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बदलाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक ही पार्टी का शासन लगातार देश के हित में नहीं रहता है। लोकतंत्र में दो दल आपस में आते हैं लेकिन आप जनहित का कार्य नहीं करेंगे तो परिणाम जो आज आए हैं वो 2022 में भी आएंगे, 2024 में भी आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि सरकारें जो भी हों अभी जो लग चल रही हैं संभल जाएं, क्योंकि जनता का अनादर नहीं किया जा सकता। हम चुनकर उनको भेजते हैं कि जनता को राहत दे तो ये जनता को सुविधाओं की बजाय असुविधाएं दे रहे हैं। इतना राजस्व भारत सरकार को प्राप्त हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्टों की कीमतें इतनी बढ़ाई चुकी हैं जिससे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाने पीने का सामान है, भवन निर्माण के वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। रोकने वाला कोई नहीं है, जनता अपनी जगह अंदर खाने से दुखी है। मैं ये समझता हूँ कि हम इस सरकार को ये मौका मिला है कि रहे समय में वो जनहित के कार्य करें तो अगला चुनाव मज़ेदार रहेगा, यही मैं बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बेरोजगारी जिंदाबाद। यार चेंज तो करो।
ठाकरे जी।